हेलो जी वेलकम बैक टू तो माई चैनल सलिन लाइफ स्टाइल तो कैसे हैं सब उम्मीद है सबसे ठीक ठाक होंगे खैर से होंगे अच्छे से होंगे तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स आपने देखे देख ली है तो ये आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा आलू मेरे रमज़ान फूड प्लानर का सेकंड रेसिपी है कीमा मैंने एक्स्ट्रा मंगाया हुआ था तो सोचा कि मैं क्यों ना यही बनाते चलूँ बिकॉज आई हैव टू लाइक एड ऑन माई डिशेज विच इज़ वेरी क्विकली एंड ईजी और ये रेसिपी आपको बहुत हेल्पफुल करेगी कि बहुत जल्दी बनती है अगर इतनी इंग्रेडिएंट्स आपके पास होना तो बहुत जल्दी ये रेसिपी बन जाती है ऑयल हीट हो जाए तो गर्म मसाले मैंने जो होल लिए थे वो एड कर देना इसके बाद फाइनली चॉप मैंने ऑन ऐड कर देना है और आप अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ अगर मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स भूल जा रही हूँ ना बोलने तो आप प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा प्लीज़ और ये ना जो कीमा आलू है जो शॉर्टकट बनता है बहुत क्विकली बनता है और जैसे आपके पास कोई गेस्ट आ रहे हैं आप तभी तो भी कुक कर सकते हैं इसके बाद खिचड़ी बनाती हूँ मैं पर आज मैं खिचड़ी नहीं दाल चावल बना चुकी थी तो ये अब मैंने ऐड कर देना जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का चॉप्ट किया हुआ है ये इसमें सूखा कीमा बना रही हूँ ना भुना टाइप तो उसमें मैंने सब जितने भी मसाले हैं वो खड़े ही रखने हैं ठीक है पीसा हुआ मैंने सिर्फ गरम जो पाउडर वाले मसाले हैं वही ऐड करने अब मैंने ये स्टेज पे कीमा ऐड कर देना कीमा ऑलरेडी मैंने पानी इन कर दिया था ताकि कीमे का पानी जल्दी सूख जाए क्योंकि कीमे का पानी अगर मटन का स्मेल आ जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है ग्रेवी में कीमा आपको अच्छा बुनना है ठीक है अब इसके अंदर मैंने टमाटो प्यूरी ऐड कर दिया है हल्दी हल्दी ऐड कर दिया है गरम मसाला जो मैं घर में बना के रखती हूँ वो ऐड किया है रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी और अब मैंने धनिया पाउडर ऐड कर देना सॉल्ट ऐड करके इसको थोड़ा सा पानी डाल के मुझे अच्छा भूनना है ताकि मसालों की जो स्मेल है वो चली जाए अब ये स्टेज पर मैं जब मसाले की स्मेल चली जाएगी ना तब मैं ऐसे पटाटो जो मैंने क्यूब में काटे हैं वो ऐड करूँगी और उसको अच्छे से भूनूंगी भूनने के बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके एक कप छोटा पानी ऐड करके मैं इसे दो विसल यानी दो सीटी तक के लिए मैं इसके कुकर में प्रेशर कुक करूँगी उसके बाद ये कंप्लीटली रेडी हो जाएगा इसको बस थोड़ा कुकर का प्रेशर निकालने का तो आपको हल्का सा भुनना है इस तरह से इसका ऑयल पूरा छूटना चाहिए ठीक है अच्छे से भुनना है ठीक है ये मेरी रेसिपी आज के लिए सेकेंड रेसिपी फॉर रमज़ान तो ये बहुत ईजी बनती जल्दी बनती शहरी टाइम में या इफ्तारी टाइम में बहुत आपको हेल्प करेगी आपके गेस्ट आ जाए आप वर्किंग वुमेन हो तो ये भी आपके लिए बहुत ईजी पड़ता है तो ये मेरी रेसिपी कितनी प्यारी लग रही है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा गाइज कमेंट बॉक्स में आपको मैंने हमेशा कहा आपके फीडबैक्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं तो अगर आप मेरी कोई रेसिपी ट्राई कर दे डू पोस्ट योर पिक्स ऑफ़ योर रेसिपीज जो भी आप डिश बना रहे हैं, वो मेरे इंस्टाग्राम आई डी पर जरूर तक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी बहुत सारे मैंने प्लानिंग करके रखी है इन जरूर मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो केल्ला हाफिज अपना क्या रखेगा खुश